आज लॉकडाउन के 2 साल गुजर गए, वायरस के 2 साल गुजर गए, लोगों की तिजारतें ठप पड़ गई, लोग सूली लेके मर गए, फांसी लेके मर गए, किसान मर गया, लोग एक दूसरे के किट्स पर, एहसान पर, उनके सदके खैरात पर पलने के मोहताज हो गए, घरों पे जाके भीख मांगने पे मजबूर हो गए, इज्जत वाले कर्जों पे जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए। ये सारी परेशानियां, अपनों को जनाजा देने की तौफीक ना मिली, कंधा देना नसीब नहीं, गुस्ल देना नसीब नहीं, जनाजा पढ़ना नसीब नहीं, दफन के बाद दुआ करना नसीब नहीं, ये सब हालात मुसलमान ने देखा। बाप का जनाजा दे नहीं सका कंधा, बेटा रहते हुए भी भाई को उठा नहीं सका भाई होते हुए भी, ये सारे मंजर मुसलमान देखने के बाद भी अल्लाह गवाह है, क्या इन हालात के बाद मुसलमान एक गुनाह से तौबा किया? एक सांचक की रसम से, पाउमेस की रसम से, जुमागी की रसम से, जुल्वे की रसम से, मुंह भराई की रसम से, गोद भराई की रसम से, मुंह दिखाई की रसम से, कौन सी रसम से मुसलमान तौबा किया है? कौन से गुनाह से तौबा किया है? गुनाह सबसे बड़ा अज़ाब है। गुनाह की सबसे पहली पकड़ यह है कि तुम्हें दूसरा गुनाह मिल जाता है।